कौन है वो? जी मैं फातिमा हूँ, वकार की बीवी। प्लीज दरवाजा खोलें, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। वकार हमें छोड़कर चले गए बहुत दूर, कभी ना वापस आने के लिए। ये क्या कह रही हो तुम? तुम झूठ कह रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। सुन ले मेरी तू सदा। मैंने सबको बताया है कि इनकी बेटियों की शादी हो चुकी है और वो अपनी बेटियों समेत यहां पे आ गई है। तो आपको क्या खबर? आपको किसी ने बताया तो आपने यहां आकर बता दिया। हाँ Hello, you are genius. अब पता चला आपको। लेकिन एक मसला और भी, जब लास्ट टाइम भाईजान मुझसे मिलने के लिए यहां पे आए थे तो ये बात ही तो मैंने सबसे छिपाई। उसे भी टाल देंगे बातों बातों में। मैं बताऊंगी आपको कि क्या कहना है, अभी आप परेशान ना हो और सो जाएं। लीजिए, मैं चाय ले आई। अरे बेटा, तुमने आराम कर लिया होगा, है? थक गई होंगी, कहाँ तुम्हारी नींद पूरी हुई होगी। अरे अम्मा, ये लोग रात को कितनी भी देर से सोए ना, सुबह फजर में जरूर उठती हैं। बचपन से इनकी आदत है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। दादी, मैं गरम गरम चाय लाई हूँ आप लोगों के लिए, पर चाय से पहले बिस्किट ले लीजिए, खाली पेट चाय नहीं पी। भाई हमारी बेटी का हुक्म है तो बिस्किट तो खाना ही पड़ेगा। ये घर में भी अपना हुक्म चलाती है। अरे भाई, अगर प्यार से हुक्म चलाया जाए तो उसे मानने में बड़ी खुशी होती है। और वैसे भी अब तो ये दोनों बच्चियां मेरे वकार की निशानी हैं। अरे हाँ फातिमा, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। कौन सी बात अम्मा, पूछिए। मुझे तो ये बताया गया था कि तुम्हारी दोनों बेटियों की माशाल्लाह शादी हो चुकी। नहीं अम्मा, मासूमा की मंगनी की थी। वकार आए थे मिठाई लेकर, वासिफ से मुलाकात भी हुई थी और उसे मिठाई देकर भी गए थे। अच्छा, वासिफ को मंगनी का पता था, लेकिन उसने तो हम में से किसी से भी इसका जिक्र नहीं किया। बल्कि उसने तो ये कहा था कि भाईजान ने दोनों बच्चियों की शादी कर दी है। हो सकता है अम्मा उसे मुगालता हुआ। अच्छा ये बताओ, फिर वो मंगनी अभी कायम है? नहीं अम्मा, वो मंगनी कहाँ रही? मेरी मासूमा पर तो ऐसी क्यामत टूटी कि मैं आपको क्या बताऊं। मैंने तो आपको बताया ही नहीं ये वकार की डेथ के बाद हम किस किस अजियत से गुजरे। कंपनी में उनकी ग्रेजुएटी और दीगर फंड की मद में 20 लाख रुपए जमा थे और जो उन्होंने मशीन लगाई थी उसके 5 लाख और हादसाती मौत के तकरीबन इतने ही बनते थे।
मगर उसके बॉस ने 40 लाख ना देने की वजह से वकार पे उल्टा कंपनी के वाजबात का इल्जाम लगा दिया और हमें कंपनी के मकान से भी निकाल दिया। वहां से हमें एक दिन का भी नहीं लेने दिया। क्या? और अम्मा उस पे कयामत ये कि उसने मेरी मासूमा को अगवा करवा लिया। अगवा कर लिया? ये तुम क्या कह रही हो भाई? उसने हमें खौफजदा किया था अम्मा, ताकि बेटी की बदनामी का हम कुछ सोचने की मोहलत ही ना दे। शुक्र है कि मेरी बेटी की इज्जत पे कोई आंच नहीं आई। उसने हमें सिर्फ खौफजदा किया था ताकि बेटी की गुम होने का गम हमें कुछ सोचने की मोहलत ही ना दे। देखो फातिमा, आज तो तुमने मेरे सामने इस बात का जिक्र कर दिया, लेकिन अब इस किस्से को यहीं दफन कर दो। समझ गई तुम? अच्छा छोड़े ना इन बातों को, आप ही चाय बना के लाई हैं आप लोगों के लिए, और दादी आपको पता है मेरी आपकी बहुत अच्छी चाय बनाती है। अच्छा, ये तो भी पी के ही पता चलेगा। नायला, हमें अपना रवैया बहुत अच्छा रखना होगा। हमारे किसी भी रवैये से अम्मा जान को ये शुबा नहीं होना चाहिए कि हमने उन्हें जो कुछ भी बताया वो किसी प्लान के तहत बताया। अगर कोई बात करेंगी तो मैं उनसे कह दूंगा कि सिर्फ एक छोटी सी गलतफहमी थी। अब लोग इस घर में भी आ चुके हैं, अम्मा जान से भी मिल चुके हैं, लिहाजा अभी हमें कोई नया प्लान नहीं बनाना, बस उनसे मजबूत ताल्लुकात बनाने, खुशगवार ताल्लुकात, ताकि अम्मा का और उनका एतमाद हासिल कर सके। क्या पता जो काम गुस्से और नफरत से नहीं हुआ वो मोहब्बत से हो जाए। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? जी समझ रही हूं, आप फिक्र ना कीजिए। हमें हवा का रुख देख कर चलना होगा। ये बात, अब मैं जा रहा हूं नाश्ते की मेज पे, तुम आओगी और बहुत ही अच्छे माहौल में उनके साथ नाश्ता करना है ताकि। बस कर दीजिए वासिफ, मैं बच्ची नहीं हूं। चलिए आप, मैं चेंज करके आ रही हूँ। जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से। लीजिए मोहनी जान। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अरे आप लोग भी तो नाश्ता शुरू करें, लीजिए भाभी। और बच्चियों तुम लोग भी लो, नाम तो तुम लोगों ने बताया नहीं मुझे। जी मैं मासूमा। और मैं इनसे छोटी मोमना। माशाल्लाह भैया ने आप दोनों के नाम बड़े अच्छे रखे। और भाई सुन लो सब लोग, मेहमानदारी आज के लिए, कल से मेजबान बनना पड़ेगा क्योंकि ये घर तुम लोगों का भी है। क्यों मानी चांद? हाँ भाई, नायला बिल्कुल ठीक कह रही है। वो नौफल बेटा, नाश्ते के बाद ड्राइवर से कहना गाड़ी तैयार कर ले, मुझे जरा बाजार जाना है, इन लोगों के लिए कुछ सामान खरीदना है। ड्राइवर से क्यों ना जान, मैं खुद ले चलूंगा आपको। तुम ले चलोगे? तुम्हें तो यहाँ तक मुझे याद है अपने इंटरव्यू के लिए जाना था। नहीं वो कल जाना है। ओ फिर ठीक है। भाभी जान, आप लोगों को तो कंपनी की तरफ से मकान मिला हुआ था जो कि कंपनी ने वापस ले लिया होगा, तो उस दौरान कहाँ रहे आप लोग? अरे भाई वो भी एक लंबी कहानी है बेटा। हाँ, वकार का जो बेईमान बॉस था ना, उसने वकार की 30-40 लाख की ग्रेचुटी हथियाने के चक्कर में वकार को ही मकरूज करार दे दिया और उस पर दावा कर दिया। और भाई कर्ज चुकाने के नाम पर घर का जो सारा सामान था वो भी समेट के ले गया। बहुत ही बदमाश आदमी था।
जाहिर बात है लोग क्या करते। बहुत बुरा हुआ, 30-40 लाख की रकम कम नहीं होती है माँ। अकेली औरत थी, मैं भला क्या कर सकती थी। अरे बेटा लानत भेजो, अब जो गुजर गया ना उसका जिक्र भी मत करो, अल्लाह का दिया हमारे पास बहुत कुछ है। अच्छा नायला, नुमान कहाँ है? मेरे ख्याल से सारा तो अभी तक सो रही होगी। मजान, नुमान को साइड पे जाना था ना, वो साइड पे चला गया अपने। अच्छा अच्छा, आप नाश्ता कीजिए आराम से। सारा, 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 क्या है मामा, कान में क्यों चीख रही हैं? अगर अब भी ना उठी ना तो मैं घसीट कर बेड से नीचे फेंक दूंगी। चलो उठो अब। क्या हुआ है, कौन सी कयामत आ गई है? कयामत तो तुम्हारे सामने आई है, रात देखा नहीं तुमने? वो भिकारन जैसी शक्लों वाली औरतें, वो क्या कयामत है? वो भिकारन जैसी औरतें जो है ना, वो तुम्हारे दादा की आधी जायदाद की वारिस है और तुम्हारी दादी की चहेती भी, और अगर तुमने अपनी आदतों को ना बदला ना तो बहुत जल्द वो इस घर की मालकिन भी बन जाएंगी। इसलिए अपनी आदतों को बदलो और दादी के करीब होने की कोशिश करो, वरना वो सारी जायदाद ले उड़ेंगी और तुम मुंह देखती रह जाओगी। चलो उठो, आधा दिन निकल चुका है, चलो उठो, आ जाओ सारा। मुसीबत है, ये है तुम्हारा। अम्मा ये आपने इतनी सारी हमें शॉपिंग करवा दी, आपने बहुत तकलीफ की है। अरे बेटा तुम ये क्यों भूल जाती हो कि ये घर तुम्हारा है, तुम्हारे शौहर का घर, और ये जो सब मैं पैसे खर्च कर रही हूँ ना, ये सब मेरे वकार के हैं जो एक अरसे से मेरे पास अमानत रखे हुए। और भाई तुम फिर खुद सोचो कि वाजिद अली शाह की पोतियां कोई उतरन पहनेंगी? अरे बेटे अब तो वो अपनी तमाम खुशियां, अपनी तमाम ख्वाहिशात पूरी करेंगी, ये हक है उनका। आप नहीं जानती हम घर की छत के लिए हम लोग कितना तड़पे हैं। हमें तो यूं लगता था कि गलियों की खाक छानते छानते एक दिन हम भिखारियों के सफ में खड़े हो जाएंगे। अल्लाह ना करे, कैसी बातें करती हो बेटे। वो मायूसी का ऐसा दौर था अम्मा कि हमें कुटिया के लिए भी तरस रहे थे और हमें कुटिया भी नसीब नहीं हुई। अब आप सोचिए अम्मा, ये छत हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत है, और फिर आपकी मोहब्बत भरी आगोश अपना खानदान होने का एहसास दिलाती है। देखो फातिमा, ये सब बातें गुजर गई, ये अल्लाह की तरफ से तुम लोगों के ऊपर एक आजमाइश थी, और उसका करम है कि तुम सुरखरू हुए। मेरे बच्चों भूल जाओ इन सब बातों को, अब नए सिरे से जिंदगी शुरू करो। तुम्हें मालूम है तुम इस घर की सबसे बड़ी बहू हो, और मेरे बाद तुम ही इस घर की सरबरा होगी। अल्लाह आपको हमारे सरों पर सलामत रखे अम्मा। अच्छा ये छोड़ो सब बातों को, ये जो सब कपड़े हम लेकर आए ना बच्चों, ये सब जाके तुम लोग पहनो। मैं जरा जाके देखूं बीवी ने तुम लोगों के लिए क्या स्पेशल चीजें पकाई हैं। हम्म, हाँ जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, मैं देखना चाहती हूँ। हाँ जी। अम्मी, अम्मी कितनी अच्छी है ना दादी जान, ये वाला ये तो आप ही, ये आपका है। अरे भाई छोड़ो तुम लोग, बस हो गया, बहुत आराम आ गया मुझे, थक जाओगे तुम लोग। अरे अम्मा पहली दफा ये महसूस हो रहा है कि मेरी भी कोई माँ है। आपको क्या पता, आपके पास बैठ के आपकी खिदमत करके मेरे दिल को कितना सुकून मिला। वकार तो हमेशा यही कहते थे
कि काश मुझे अब्बा जान माफ कर दें तो मैं अपनी माँ की खिदमत कर सकूं, अगर जिंदगी ने उन्हें मौका ही नहीं दिया। अब कम अज कम ये एजाज मुझे तो हासिल करने दे। मेरा बच्चा, मेरा जिगर का टुकड़ा, मैं तो उसे जी भर के देख भी नहीं सकी, और जब वो एक बार मेरे सामने आया तो मजबूरी उन्हें मेरे पांव में बेड़ियां डाल दी। और बेटा, किस्मत की सितम जरीफी तो देखो, जब शाहजी ने उसको माफ कर दिया और तुम लोगों से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की तो उसने आना ही छोड़ दिया। उन्होंने आना नहीं छोड़ा अम्मा, बल्कि जिंदगी ने उनका साथ छोड़ दिया। वो उनकी जिंदगी के आखिरी दिन थे जब वो वासिफ से मिले और मिठाई भी दी थी। दादी जान, क्या दादा जान की कोई तस्वीर नहीं आपके पास? हम देखना चाहते हैं ना। तस्वीर? बेटा, तुम्हारे दादा तस्वीरें खिंचवाने से बहुत कतराते थे, मगर हाँ है तस्वीरें। देखो वो दराज में एल्बम रखी है, वो निकाल के लाओ। वो वाली ड्रॉज में? हाँ जाओ निकाल। मैं लाती हूँ, जल्दी में होगी। इस कदर एक्साइटमेंट है। अम्मा, इन्हें बहुत शौक था अपने दादा जान से और आपसे मिलने का। अक्सर पूछ लेते थे दादी। जल्दी लाओ ना। ले आई, ले आई, ले ले आई मैं। दिखाए दादी जान, कहाँ है दादा जान? बेटा ये है तुम्हारे दादा जान। इंतकाल से एक साल पहले नोफिल ने ये तस्वीर खींची थी और एल्बम में लगा दी थी। ये दादा जान है? आपी, कुछ याद आया आपको? ये दादा जान है। हाँ मम्मी, ये तो दादा जान। मुझे सब याद आ गया। क्या याद आ गया? मगर दादी जान, हम तो दादा जान से मिल चुके हैं। मिल चुके हैं? हाँ, अभी अभी कुछ अरसा पहले की बात है। आपी की मंगनी होने वाली थी, हम शॉपिंग के लिए मार्केट गए थे तो हाँ, अब मुझे सब याद आ गया। बाजार में मिले थे ना तुम लोगों से? जब उनकी जरा चोट भी लग गई थी, बहुत तारीफ कर रहे थे तुम लोगों की। वो कह रहे थे किसी ने इन बच्चियों की बहुत ही अच्छी तरबियत की है। काश के उनको पता होता कि ये उनका अपना खून है, तो मुझे यकीन है उसी वक्त तुम लोगों को वो घर ले आते, सारी नाराजगी दूर हो जाती। दादी जान, मेरी एक बार फोन पर भी बात हुई थी दादा जान से। फोन पर बात हुई थी? मगर उन्होंने मुझे फोन का तो नहीं बताया, बल्कि मैंने उनसे कहा भी था कि बच्चियों का नंबर तो ले लिया होता ताकि मैं उनका शुक्रिया अदा कर देती, और कहने लगे कि मैंने तो उनको अपना नंबर दे दिया, लेकिन उन बच्चियों का नंबर लेना मुनासिब नहीं समझा। मैंने उन्हें बाबा की डेथ का बताया तो उन्होंने हमारा एड्रेस और बाबा के नाम का पूछा था। तो बताया था तुमने उन्हें? जी दादी जान, मैंने उन्हें बताया था अपना एड्रेस और बाबा का नाम भी, बल्कि उन्होंने तो अम्मी का नाम भी पूछा था, लेकिन फिर बात करते हुए लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। मैंने काफी दफा ट्राई किया लेकिन लग नहीं रहा था फोन। फोन कैसे चुनते? क्या मतलब अम्मा जान? बस बेटा, उन्होंने अपने बेटे की मौत की खबर सुनी और उसके पीछे पीछे चल। क्या सितम ज़रीफ़ी है, क्या सितम ज़रीफ़ी है मेरे अल्लाह। मेरा बेटा भी मुझसे जुदा हो गया, मेरा शौहर भी। मत रोया। आपी, काश हमें पता होता कि हमारे दादा जान है, इनको कभी नहीं जाने देते। सुन ले मेरी तू सदा।
घर की मुलाजमा बन के रह जाओगी तुम। अगर वो हमारी सारी शर्तें मान गया ना तो तुम ऐश करोगी ऐश, और देखना तुम्हारा खूंटा भी मजबूत हो जाएगा। और मैं तो तुम्हारा भला ही चाहती हूँ, अगर तुम्हें कुछ मिलेगा तो तुम ही ऐश करोगी ना। भाभी ये आपके लिए। ये क्या है वासे? कुछ नहीं है, बस एक देर से खत्म है आपके लिए और आपके बच्चों के अखराजात के लिए।